हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है वार्क स्किल टेस्ट 2024 जो फिटर ट्रेड का चालू हुआ है 30 सितंबर से, तो 30 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। कौन सा जॉब आया था, कौन कौन से ऑपरेशन आपको करने थे, कौन से स्टेप फॉलो करने थे, हम पूरे जानकारी आपको दे देंगे। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी, जो जॉब आपको बनाने के लिए टाइम मिला था 2.5 घंटा और 100 मार्क का था, और जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पर, यही जॉब आपका सेकंड शिफ्ट में आया था। जो फिटर के बार का जो स्किल टेस्ट है सेकंड शिफ्ट में, यही जॉब आया था फर्स्ट डे के सेकंड शिफ्ट में। तो ये डाउटेल जो जॉब होता है, डाउटेल फिटिंग का जो जॉब होता है उसका एक मेल पार्ट है, यही एक सिंगल पार्ट आपको दिया गया था, सिंगल पार्ट को बनाना था आपको। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले डायग्राम को देखकर आपको समझ लेना है कि इसमें क्या करना है। मतलब एकदम डायरेक्टली जो जॉब दिया इसमें कुछ एंगल वगैरह दिया गया नहीं है, डायरेक्टली जो डायमेंशन है डायमेंशन के हिसाब से मार्किंग करके, पंचिंग करके, आपको कटिंग करके फिनिशिंग करना था। यही में इस यही ऑपरेशन इसमें करना था, ज़्यादा डीपली ऑपरेशन दिया नहीं गया था। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे रॉ मटेरियल आपको मिलता है तो उसमें आपको 5-5 mm एक्स्ट्रा लंबाई में मिलता है, लंबाई और विड्थ में, तो उसके हिसाब से आपको रॉ मटेरियल को सेट कर लेना है, 1:22 में सेट करके आपको 90 डिग्री में बना लेना है। उसके बाद जैसे जो जॉब आपको दिया गया, यहाँ पर कुछ एंगल वगैरह दिया नहीं तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं। इसमें आपको 3 टाइप के फाइल की आवश्यकता है, एक बास्टर्ड, एक सेकंड कट और एक स्मूथ फाइल, और इसमें ट्रायंगुलर फाइल की आवश्यकता है क्योंकि इसमें एंगल नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो आपको जो वी शेप में एंगल बन रहा है तो इस एंगल को घिसने के लिए आपको ट्रायंगुलर फाइल की आवश्यकता होगी, तो इसमें ट्रायंगुलर फाइल का भी आपको यूज करना है। तो ये हो गया बेसिक जानकारी। उसके बाद जब आप जॉब को स्टार्ट करोगे तो जैसे मैंने सबसे पहले बता दिया कि आपको क्या क्या चाहिए, इसमें एक बास्टर्ड फाइल चाहिए, एक सेकंड कट फाइल, एक स्मूथ फाइल और एक ट्रायंगुलर फाइल चाहिए, और चाहिए एक हेक्सा फ्रेम। ये हो गया बेसिक आपका कटिंग टूल्स और इक्विपमेंट। उसके बाद आप फिनिशिंग वगैरह जो भी करोगे उसके हिसाब से ट्राई स्क्वायर भी चाहिए, जैसे 90 डिग्री में जॉब को चेक करने के लिए स्टार्टिंग में ट्राई स्क्वायर की आवश्यकता है। उसके बाद अगर स्टील रूल से आप चेक करोगे तो स्टील रूल, या फिर वर्नियर कैलिपर से डायमेंशन को चेक करोगे तो वर्नियर कैलिपर की भी आवश्यकता है। उसके बाद जैसे नॉर्मली जो आपको कटिंग टूल्स वगैरह वहाँ पर मिलता है तो आपको ग्रुप के हिसाब से दिया जाता है, जैसे इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया कि ग्रुप वाइज आपको डिवाइड करके दिया जाता है, क्योंकि एक शिप में बहुत सारे मतलब 60-60 स्टूडेंट का प्रैक्टिकल हो रहा है तो आपको ग्रुप वाइज डिवाइड किया जाता है। अभी स्टार्ट करते हैं आपका जो जॉब आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जॉब का जो दो साइड आपका 90 डिग्री में होता है उसे सबसे पहले क्या करना है, बेंच वाइज में सेट करके ड्रॉ फाइलिंग करके आपको सबसे पहले क्लीन कर लेना है, उसका ब्लैकनेस हटा देना। जॉब का साइज आपका एक्स्ट्रा में दिया जाता है लेकिन उसे सबसे पहले आपको उससे माइनस नहीं करना है, बाद में आपको करेगा क्योंकि जॉब सिंपल है, आपके पास टाइम बचेगा। तो सबसे पहले दो साइड का जो विड्थ वाला साइड है उसे 90 डिग्री में बना लेना, फाइलिंग करके, ड्रॉ फाइलिंग करके ब्लैकनेस हटा दोगे। उसके बाद दोनों में से कौन से भी एक साइड को रेफरेंस पकड़ के आपको जॉब को 90 डिग्री में तैयार कर लेना है। जॉब का डायमेंशन 5 mm एक्स्ट्रा है तो आपको रहने देना है, उसमें अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो सबसे उसके बाद का आपका ऑपरेशन, जैसे आपने 90 डिग्री में बना लिया तो 90 डिग्री में बनाते समय बास्टर्ड फाइल का यूज करें, बास्टर्ड फाइल से सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल निकल जाता है। तो जैसे पहले दो साइड हमने बना लिया, उसके बाद एक साइड आपको 90 डिग्री में प्रॉपरली बना लेना है, उसके बाद दूसरा साइड आपको 90 डिग्री बना, लेकिन एक्स्ट्रा एक साइड ज्यादा रहेगा तो उसको आपको कट करना है, ये भी आपको ध्यान में रखे। तो जैसे हमने सबसे पहले 90 डिग्री में बना लिया, उसके बाद आपको सरफेस क्लीन करना है, जॉब का कौन से भी एक साइड सबसे पहले आपको सरफेस क्लीन करना है, एक साइड ही करें क्योंकि लास्ट में अभी आपको फिर से सरफेस क्लीन करना होता है, इसलिए सिर्फ मार्किंग के पर्पज के हिसाब से आपको कोई भी एक साइड सरफेस क्लीन कर ले। सरफेस क्लीन करने के बाद आपको मार्किंग मीडिया लगाना है, मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद, मतलब मार्किंग मीडिया ज्यादा मोटा मत लगाए, उसमें सूखने के लिए टाइम लगता है। उसके बाद आता है आपको मार्किंग प्रोसेस, मार्किंग करने के लिए आपको हाइट गेज मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब हाइट गेज मिलेगा लेकिन जैसे 8-8 जनों में डिवाइड करके दिया जा रहा है टूल्स इक्विपमेंट, तो जैसे मान लीजिए आप थोड़ा जॉब बनाते समय अगर पीछे रहेगा तो 8वां नंबर पे आपका वर्नियर हाइट गेज का नंबर लगेगा, तो उस समय अगर आपको आप अगर स्टील रूल से मार्किंग कर सकते हो तो स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर और पेंसिल की सहायता से मार्किंग कर सकते हो, अगर आप इसके पहले कभी स्टील रूल से वगैरह किए हो मार्किंग, क्योंकि हाइट गेज के ऊपर नंबर लगाने जाओगे बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, उसमें बाद में आपको जॉब करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं स्टील रूल का भी रेफरेंस देता हूँ कि आप हाइट गेज के ऊपर, मतलब अगर एकदम स्टार्टिंग में नंबर लग जाता है तो उस समय कर लीजिए, अगर 8वां 7वां नंबर पर लगता है तो आप उस समय स्टील रूल की सहायता से भी मार्किंग कर सकते हैं। तो स्टील रूल से किस तरह से मार्किंग करते हैं उसमें थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। अगर मान लीजिए 20 mm का आपको मार्किंग करना है तो दोनों पॉइंट में यहाँ पर 20 20 mm
हाइट लेकर पॉइंट पहले मार्क कर रहे हैं, उसके बाद दोनों पॉइंट को स्टील रूल या फिर ट्रेस करके सहायता से जोड़ना है। मतलब स्टील रूल से मार्किंग करते समय दोनों साइड में जो भी आप माप लोगे दोनों साइड में दोनों एंड में माप लेकर दोनों को जोड़े, इसमें आपका एक्यूरेसी एकदम 100% आएगा। तो इसलिए मतलब अगर स्टील रूल से मार्किंग करोगे तो कौन से भी वन साइड में मार्किंग करके लाइन ड्रॉ मत करें, उसमें आपका लाइन स्ट्रेट नहीं आता है। उसके बाद जैसे आपने मान लीजिए मार्किंग कर लिया स्टील रूल या फिर वर्नियर हाइट गेज के सहायता से, तो इस जगह पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इस समय होता है कि आपको मार्किंग आना चाहिए। मार्किंग आना चाहिए मतलब जो आपको अगर हमने इस पोजीशन में रखे सरफेस प्लेट के ऊपर एंगल प्लेट के सहायता से सपोर्ट देकर, उस समय आपको वर्नियर हाइट गेज में सबसे पहला मान लीजिए हम ये वाला विड्थ वाला साइड मार्किंग करेंगे, तो उस समय आपको सबसे पहले वर्नियर हाइट गेज में आपको क्या करना है, 20 mm माप लेना, 20 mm माप लेके हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद 20 और 20 कितना 40 mm, इसका जो जॉब की टोटल हाइट कितना 40 mm दिया है और जॉब जॉब का टोटल विड्थ मतलब लेंथ कितना दिया है 60 mm है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने 20 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको हाइट गेज में 40 mm माप सेट करके इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मार्किंग। उसके बाद जो हमारा फिटर वाला जॉब है इसमें दो तरफ से मार्किंग करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल हमने मार्किंग कर लिया, उसके बाद जॉब को इस तरह से वर्टिकल पोजिशन में रखना है। वर्टिकल पोजीशन में रखते समय आपको सबसे पहले सिंपल सा सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, जैसे एंगल वगैरह कुछ दिया गया नहीं है तो ये जो डबटेल बना है जॉब के सेंटर पे बना है, तो सबसे पहले एक वर्टिकल इस तरह से जॉब को वर्टिकल पोजीशन में रख के सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद सेंटर लाइन जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डबटेल है डबटेल शेप का नीचे वाला डायमेंशन कितना है 30 mm, तो जो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ किया सेंटर लाइन के ऊपर 15 mm की लाइन ड्रॉ करें और सेंटर लाइन के नीचे 15 mm की लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद का स्टेप है जैसे उसी सेंटर लाइन के ऊपर आपका जो ये 40 डॉक्टल का बड़ा वाला साइज कितना है 40 mm का दिया है, तो उस समय क्या करना है, जो हमने सेंटर लाइन सबसे पहले ड्रॉ किया है सेंटर लाइन के ऊपर 20 mm माप लेना है, उसके बाद सेंटर लाइन के नीचे 20 mm माप लेना है। यहाँ तक कि आपको इतना ही सिर्फ मार्किंग करना है। उसके बाद क्या करोगे, जैसे ये हमारा 20 mm का माप था और ये हमारा 15 mm का माप था, इसको डायरेक्टली इस तरह से कॉर्नरली जोड़ना है डायगोनल, दोनों तरफ से इस तरह से जोड़ोगे तो आपका इस तरह से डॉटल शेप बन जाएगा। डॉटल शेप बनने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले जॉब का डायग्राम सामने रखकर आप पेंसिल के सहायता से इस तरह से जॉब का पूरा इस तरह से आउटर लाइन आप पेंसिल के सहायता से ड्रॉ कर ले, ताकि आप पंचिंग करते समय आपको पता चले कि जॉब कहाँ से कहाँ तक है। ये आपको रेफरेंस मतलब गाइड करता है पंचिंग करते समय, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें एंगल वगैरह दिया नहीं तो एंगल की बात हम नहीं करेंगे। तो ये हमारा सबसे सबसे सिंपल वाला स्टेप था मार्किंग करने का, जो डायमेंशन दिया डायमेंशन के हिसाब से आपको इस तरह से मार्किंग करना है। और इसमें थोड़ा सा और कन्फ्यूजन रहेगा कि कुछ जो आपका जिसका अगर प्रैक्टिकल हो गया उसमें उनको लगे कि डायमेंशन थोड़ा ऊपर नीचे मतलब 5-5 mm का फर्क पड़े, तो उस समय आप उनको बता दूं कि जो जॉब का शेप इसी शेप में आया था, डायमेंशन भले ही 30 के जगह 35 रहे लेकिन जॉब का शेप आपको यही था, और जो डायमेंशन मार्किंग करने का जो मेथड बताया मैंने सिंपल यही मेथड आपको अपनाना था। दूसरी तरह से भी मार्किंग कर सकते हो, जैसे मान लीजिए हम वर्टिकल पोजिशन में आपको जैसे 40 दिया है, 40 मतलब सबसे पहले 60 में से 40 गया तो कितना 20 mm बचता है, तो इस साइड से सबसे पहले 10 mm का माप के आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना था। उसके बाद सेंटर में से 15 गए तो कितना 15 mm का बचेगा, मतलब सबसे पहले 10 mm उसके बाद 15 mm का लाइन, उसके बाद 30 mm का लाइन, उसके बाद 40 mm का लाइन, उसके बाद 45 mm का लाइन, उसके बाद 60 mm का लाइन। तो इस तरह से भी आप मार्किंग कर सकते थे, लेकिन हमने आपको डायरेक्टली सिंपल मेथड बताया कि किस तरह से हम मार्किंग करना है। तो आपको डिपेंड आपके ऊपर करते हैं कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, दोनों तरीका सही है, इसमें कोई गलत तरीका नहीं है कि मैं जैसे बता रहा हूँ ये पहला मेथड जो बताया वो सही है या फिर दूसरा, दोनों ही सही है, लेकिन आप डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा मेथड अपनाकर आपको मार्किंग कर रहे हो, आपको जो सही लगे उसमें। और दूसरा दो ऑप्शन मैंने मार्किंग करने के लिए बताया, एक हाइट गेज दूसरा स्टील रूल, आपको जो सही लगे उसके एज पर कंडीशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। आपको जल्दी जॉब करना है तो स्टील रूल मतलब अगर हाइट गेज के ऊपर जल्दी नंबर लग जाता है तब आप उस समय हाइट गेज से करें, या फिर थोड़ा लेट लग रहा है तो आप स्टील रूल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सबसे पहले मार्किंग करके जैसे जॉब की पूरा आकार हमने बना लिया है मार्किंग के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, पंचिंग करना है। पंचिंग करने के लिए एनविल के ऊपर जॉब को रखकर जो हमारा सेंटर पंच या फिर डॉट पंच होता है उसके सहायता से आपको बॉल पिन हैमर के सहायता से आपको सबसे पहले मार्किंग कर लेना था। मार्किंग करने के बाद का स्टेप है, आपको जैसे अपने यहाँ पर मार्किंग कर लिया, मार्किंग करने के बाद जॉब को वर्टिकल पोजिशन में थोड़ा डायगोनली रखकर वर्टिकल एकदम स्ट्रेट वर्टिकल पोजिशन में रखकर आप पहले स्ट्रेट कट कर ले, उसके बाद इस साइड का भी स्ट्रेट कट कर ले, उसके बाद डायगोनली आपको कट करना था वी शेप वाला, इस तरह से आपको डायरेक्ट डायगोनली कट करना था
ध्यान में रखें, कटिंग करते समय जब आपने जो पंचिंग किया है, पंचिंग को कट नहीं करना है, पंचिंग के साइड से कट करना है, पंचिंग के अंदर भी नहीं और पंचिंग के ऊपर से भी नहीं, पंचर पंचिंग का आउटलाइन आपको कट करना है, पंचिंग आपको दिखाई देना चाहिए। पंचिंग आपको गाइड करता है, जब आप फाइलिंग करते हो तब आपको पंचिंग गाइड करता है कि यहाँ तक आपको पंचिंग के तक ही आपको फाइलिंग करना होता है, तो इसलिए पंचिंग को कट करके ना निकाले, उस समय आपका डायमेंशन माइनस में चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज आपको ध्यान में रखकर, कटिंग या फिर मार्किंग जो भी ऑपरेशन है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर आपको करना है। कभी कभी क्या होता है, जब हम थोड़ा जल्दी जल्दी में करते हैं तो उस समय मान लीजिए पंचिंग के ऊपर से आपने कट कर लिए तो उस समय फाइलिंग करोगे तो माइनस में चला जाएगा, या फिर पंचिंग के अंदर से आप कटिंग करोगे तो पूरा जॉब डैमेज हो जाए, मतलब खराब हो जाएगा। तो इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान में रखें कि जब हम पंचिंग करते हैं तो पंचिंग का आउटर आउटर साइड से हमें कट करना होता है एक्सेस मटेरियल को। तो इस तरह से सबसे पहले वर्टिकल और डायगोनल कट करके आपको वी शेप में मटेरियल को निकाल लेना है। उसके बाद आता है आपका फाइलिंग प्रोसेस। फाइलिंग करते समय आपको यहाँ पर जो फाइलिंग दिया गया है, फाइलिंग तो सबसे पहले आपको रफ जो बास्टर्ड फाइल के सहायता से आप जब कट करोगे, अगर पंचिंग के ऊपर ज़्यादा मटेरियल रहे तो आप बास्टर्ड फाइल से पंचिंग तक लाए, और ध्यान में रखे जब यहाँ पर आप बास्टर्ड फाइल से फाइल करोगे तो यहाँ पर लगने के चांसेस रहते हैं। तो फाइल को इस तरह से चलाए कि जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में फाइल को चलाओगे तो फाइल आपका बाहर के साइड में जाना चाहिए, ना कि अंदर के साइड में आपका स्ट्रोक हो। अंदर के साइड में अगर आपका स्ट्रोक आ जाता है तो इस ऊपर वाले स्टेप में भी लग जाएगा। उसके बाद जब आपको इसका और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, जब आप हैक्सा के सहायता से रॉ मटेरियल को कट करोगे तो हैक्सा के सहायता से रॉ मटेरियल को कट करते समय जो हमारा हैक्सा ब्लेड होता है उसे फॉरवर्ड स्ट्रोक में सेट करें। फॉरवर्ड स्ट्रोक मतलब क्या होता है, जो आपका ब्लेड होता है, ब्लेड के जो टीथ होता है वो सामने की तरफ झुका होना चाहिए, ना कि हमारे तरफ, मतलब जॉब को मतलब हैक्सा में पकड़ने के बाद जो उसके टीथ होते हैं सामने के मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फास्ट जो हैक्सा होता है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में काम करता है। तो इस तरह से सेटिंग करके आपको कट कर लेना। उसके बाद जैसे हम फाइलिंग की प्रोसेस आपको बता रहे थे, अगर आपकी फाइलिंग प्रॉपर नहीं है, हर एक जन का फाइलिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, तो कुछ कुछ जन का कैसा होता है, फाइलिंग करते समय आपको फाइलिंग का जैसे फॉरवर्ड स्ट्रोक लगा रहे तो यहाँ से स्ट्रोक लगाते हुए यहाँ तक लाना है, मतलब इससे क्या होगा, फाइल आपका ये जो साइड वाले स्टेप में लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके इधर ला रहे हो तो पक्का यहाँ पर लग जाएगा, फिर आपका जो जॉब है जॉब दूसरा ऊपर वाले एंड में जो फाइल का एज एज यहाँ पर घुस जाएगा, जिसमें आपका जो जॉब है वो अच्छा नहीं दिखेगा, फिर माइनस में भी जा सकते हैं। अगर उस गड्ढे को आप फाइलिंग करके निकालोगे तो ये जो साइज है वो बनेगा नहीं। तो इस समय इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखें, यहाँ पर हम बास्टर्ड फाइल से फाइल कर सकते हैं, कॉर्नर तक नहीं आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा वाला जो मटेरियल हमें निकालना है हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से ऊपर वाले साइड में भी आपको वर्टिकल पोजीशन में लगाकर, और ध्यान में रखें जब भी आप फाइलिंग प्रोसेस करोगे तो जो वॉइस का आउट ऊपर वाला पॉइंट होता है, वॉइस के ऊपर कम मिनिमम 15 से 15 mm तक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, उसके ऊपर रखोगे तो फाइल वाइब्रेट होता है और जॉब से बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। तो ये आपको टेक्निकल थोड़ा सा ध्यान में रखकर काम करना होगा। तो मान लीजिए बास्टर्ड फाइल के साथ ऐसे जितना हमें फाइलिंग हो सके हमने एक्स्ट्रा का मटेरियल निकाल लिया है, उसके बाद आपको ट्रायंगुलर फाइल का सिलेक्शन करना है। ट्रायंगुलर फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करके ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन में आपको ये जो जॉब है जॉब को बना लेना है। जो फाइल इसमें सेकंड कट फाइल की आवश्यकता नहीं है, जो ए वी वाले ग्रुप में सेकंड कट फाइल की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको दिया गया था, एक्स्ट्रा मटेरियल देने के बाद जैसे 60 का आपको 65 मिला था, तो 65 सबसे पहले आपने जो वी शेप आपने कट कर लिया, उसके बाद आपका बचता कितना है 20 mm, तो यहाँ से आपको 5 mm जो एक्स्ट्रा वाली लाइन है उसको डायरेक्टली आप कट कर सकते हो। जो पंचिंग मार्किंग करके अपने एक्स्ट्रा वाली जो 60 का फाइनल लाइन है उसके बाद यहाँ से सिर्फ कट करोगे तो 20 mm ही बचेगा। और मान लीजिए विड्थ में अगर 5 mm एक्स्ट्रा है तो जब आप ये वी शेप में आप बना लोगे तो बीच में कितना बचता है 40 mm, तो आपको पूरा टोटल 60/40 को 40 की कट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल आपको समझना है कि आपको पहले स्टार्टिंग में अगर आप कट करते तो मान लीजिए आप कोई कोई क्या होता है कि सबसे पहले डायमेंशन चेक कर लेते हैं कि कितना प्लस और कितना माइनस है, तो 5/5 mm प्लस देकर वो सबसे पहले क्या करता है, जो आपको कुछ भी प्रोसेस करने के पहले पहले एक्स्ट्रा मटेरियल कट करने के लिए जाता है। तो उस समय आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि अगर पहले स्टार्टिंग में अगर एक्स्ट्रा मटेरियल आप कट करोगे तो कितना ज़्यादा कट करना पड़ता है, 40 के जगह जैसे जहाँ पर आपको 20 mm कट करना है वहाँ पर सबसे पहले कट करोगे तो 40 कट करना पड़ेगा, और जॉब बनने के बाद जहाँ पर आपको 40 mm कट करना है उसी को अगर पहले स्टार्टिंग में कट करोगे तो वहाँ पर आपको 60 mm कट करना पड़ेगा, टोटल जितना साइज होगा उतना कट करना पड़ता है। तो ये होता है टेक्निकल, मतलब थोड़ा सा कोई भी चीज़ जो होता है आपको टेक्निकली थोड़ा सा दिमाग लगाकर काम करना है, क्योंकि आपका जो भी
आप जो भी ट्रेड से आईटीआई किया हो आपका पूरा टेक्निकल है, तो इस समय आपको टेक्निकल थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि कौन सा मेथड आप यूज करोगे जिससे आपका जॉब करने में टाइम कम लगे, क्योंकि आपका लिमिटेड ही समय दिया गया है जो 2.5 घंटा है। 2.5 घंटे के अंदर पूरा जॉब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए हमने डायमेंशन में पूरा ट्रायंगुलर या फिर बास्टर्ड है और सेकंड कट फाइल के साथ ऐसे फाइलिंग करके हमने डायमेंशन में बना लिया, उसके बाद आपको जॉब को सेट करके आपको स्मूथ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके जॉब को पूरा फिनिश कर लेना है। फिनिश करते समय ध्यान में रखें, जब आप फिनिश करते हो तो फिनिशिंग करते समय सबसे ज्यादा ड्रॉ फाइल का यूज किया जाता है। ड्रॉ फाइल से जब आप फिनिशिंग करते हो तो पूरा एक ही मतलब एक ही शेप में दिखाई देता है। तो स्मूथ फाइल जो भी आप फिनिशिंग ऑपरेशन करते हो तो लास्ट में एक जरूर एक चेक करें कि जब फिनिशिंग होने के बाद हर एक साइड के कॉर्नर या फिर हर एक साइड से उसके बर्स बाहर आ जाते हैं, तो उस समय आपको नॉर्मली छोटे कौन सा भी छोटा फाइल लेकर अपने हाथों में रखकर वो वाले एजेस जो शार्प एज होते हैं उसे निकाल दे, ताकि जब आपका जो जॉब आपका एक्सटर्नल चेक करता है तो उस समय उनके हाथों में ना लगे। तो उस समय क्या होता है, अगर हाथों में लग जाता है तो गलती से आपका मार्क भी कट कर सकता है। तो ये हो गया आज का जो हमारा सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट का जॉब। तो यहाँ तक आपका जॉब पूरा हमने डिटेल में बता दिया और कौन कौन सा चीज ध्यान में रखकर काम करना चाहिए यह भी हमने बता दिया है। और जॉब का फाइनल थिकनेस था जो आपको रॉ मटेरियल मिला था 6 मिलीमीटर थिकनेस का था, उसको आपको फिनिशिंग करके लास्ट में आपके पास बचना कितना चाहिए था 5 मिलीमीटर। और जॉब का जो टॉलरेंस दिया गया है टॉलरेंस कितना है, प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर। तो ये इतना ध्यान में रखकर आपको जॉब को बनाना है। और ध्यान में रखें जॉब सिंपल है तो आपका एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेस 0-0 पे करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मार्किंग होता है तो मार्क जब आपको मार्क मिलता है तो मार्क पूरे डायमेंशन के ऊपर रहता है, कोई भी ऑपरेशन के ऊपर आपको मार्क दिया नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 मार्क है तो 100 मार्क को इतने डायमेंशन में डिवाइड किया जाएगा। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 डायमेंशन है और ये 6 थिकनेस, तो 6 हो गया डायमेंशन और लास्ट में आपका आता है एक स्टेप फिनिशिंग। तो ऐसे 7 स्टेप में आपको 100 मार्क को डिवाइड किया जाता है, उसके बाद आपको डायमेंशन चेक करके आपको उस स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क दिया जाता है। तो इसलिए डायमेंशन को प्रॉपर 0-0 में बनाने की कोशिश करें, या फिर जो टॉलरेंस दिया गया है टॉलरेंस के अंदर बनाने की कोशिश करें। और जॉब को चेक करने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज करें, स्टील रूल का यूज ना करें। फाइनल में जब आप एक्सिस मटेरियल कट करके जॉब को चेक करते हो, जब फाइलिंग करके बनाते समय, उस समय वर्नियर कैलिपर का ही यूज करें, चाहे आप डायल वर्नियर यूज करें या फिर नॉर्मल वाला, स्टील रूल का यूज ना करें, उसमें क्लियरेंस मतलब एक्यूरेसी कम आती है। तो इस तरह से आज का जो जॉब था हमने पूरे डिटेल में हमने आपको बताकर दे दिया है। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको जो फर्स्ट मतलब 30 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी आपको सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले दिन के प्रैक्टिकल के वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।